नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। भोलेनाथ की नगरी है, इसलिए हमारे जी के द्वारा आदरणीय अजय राय जी को त्रिशूल देकर के सम्मानित किया जा रहा है। राघवेंद्र चौरव जी, मैं पार्टी कांग्रेस पार्टी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, राहुल जी को, सभी साथियों को जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ यहां पे काम कर पाऊंगा। अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूं कि कभी भी आप लोगों ने हम लोगों की आवाज़, चाहे मैं किसी पद पे था नहीं था, फिर भी आपने कभी छोटे स्तर पर या कभी उसको दबने नहीं दिया, हमेशा मेरी मदद की। और मदद भी इसलिए किया कि आप लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति है जो मुखरता के साथ लड़ रहा है, खड़ा है, दराज व्यक्ति थे, मैं भाजपा में था, मेरे साथ वो काम किए थे, पीट पीट कर लाठी डंडे और रॉड से मार के उनको मतलब धराशाही कर दिया। कितने शर्म की बात है। और लगातार वो प्रशासन को, पुलिस को बता रहे हैं, वहां सूचना दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं। विधायक, वहां के विधायक ने भी कहा कि मैंने कई बार फोन किया, बोला, उसके बाद भी पुलिस के लोग वहां नहीं आए मदद करने के लिए। हर मोहल्ले, हर गली चौराहे पर, मकान कस्बे में दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच शराब की दुकानें खोल रही हैं और बेरोजगारी चरम पर है। और उसके नाते आप देखेंगे कि आज ये चीजें जो इनकी नीति आई है, शराब नीति, इसके नाते पूरी तरीके से अव्यवस्था फैल चुकी है। आपने देखा होगा, वो लेकर आप जा रहे हैं तो कोई बोलने वाला, सबसे पहले दुकान शराब की खोली, तो उसका नतीजा है कि आज आप उनका कार्यकर्ता आज खुद उस जो गलत इनकी सोच है, गलत नीति है, उसके उसका शिकार हो गया। आज उसी के केवल जो रात को जो एडमिट थे, उनके परिवार लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा सब एडमिट तो हो गया, जो भी चीजें इलाज चल रही हैं, पर हम लोग बाहर हैं, हम लोग अभी तक ना कोई चाय पिलाया है, ना कोई खाना खिलाया है, हम लोग रात से भूखे प्यासे। जो मैं दो जो वार्ड है उसमें मैं गया दोनों में, वहां भी परिवार लोगों ने यही बात बोली। मैंने तत्काल अपने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता चंचल शर्मा को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उस व्यक्ति को मैंने बोला उस बच्चे को, तत्काल वो लोग लगकर पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक एक लोगों ने व्यवस्था करके दिया और वहां लगातार आज 14वां दिन है, हम सब लोग वहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिलकर हम उसको खाना की व्यवस्था वहां करा रहे, खिला रहे। जब कांग्रेस के लोगों ने जाके काम किया तब अब आगे एक समय पर आगे, एक समय हम खिलाएंगे, एक समय आप खिलाएंगे। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना घटी ने रखा है कि जब मैं प्रांतीय अध्यक्ष, मुझे जिम्मेदारी दी गई उस दिन पहले, तो मैंने अपने सभी साथियों से आग्रह किया कि हम लोग एक अपने भाइयों के साथ बैठेंगे, उसमें के तहत आज सब लोग यहाँ आप लोग आए हैं। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो आपने छोटी बड़ी बात हर जगह हम लोगों की उठाई है, कांग्रेस पार्टी की बात उठाया है और मजबूती के साथ आप लोगों ने साथ दिया है, निश्चित तौर से उसी के क्रम में कांग्रेस लगातार आगे काम करेगी। अभी नगर निगम का चुनाव है, नगर निगम के चुनाव में हम लोग अप्रत्याशित परिणाम आपको देंगे और निश्चित तौर से एक अच्छा काम करने का तरीका। अभी बनारस में आप देखिए, मेयर सभासद कोई मतलब नहीं है, आप मेयर को देख लीजिए। मुझे पता चला कि मेयर साहब बनारस के जो मेयर हैं, अब उन्होंने एक नया अपना घर बना लिया, नया बंगला बना लिया, काफी बड़ा बड़ा बना लिया है, मुझे जो जानकारी मिली है। और ये सब चीजें कहां से आ रही है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जाकर लोगों से मना करता है, समझाता है, उस कार्यकर्ता को वहां पर लाठी डंडे से पीट पीट कर मार दिया गया। राम राज्य में ये हो रहा है, जब योगी जी कहते हैं कि राम राज्य आ गया और राम राज्य में ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लाठियों और डंडों से पीट पीट कर मार डाला जा रहा है, ये भाजपा के लोग ही मारे गए। सोचिए, आम आदमी नहीं, आम आद व्यक्ति नहीं, भाजपा का मजबूत कार्यकर्ता, सोचिए, आम आदमी नहीं, आम आद व्यक्ति नहीं, भाजपा का मजबूत कार्यकर्ता जो लगातार इनके साथ खड़ा है और उसके दरवाजे पर भी जाने की जरूरत, मुख्यमंत्री जी और इनके बड़े नेता जो मैं चला गया उसके बाद उनके दरवाजे पर गए हैं, ये अपने कार्यकर्ता के प्रति सहानुभूति है, अपने कार्यकर्ता के प्रति लगाव। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर।